वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह और आज बात कर रहा हूं शेयर मार्केट की, क्योंकि आज का दिन शेयर मार्केट के लिए, भारतीय शेयर मार्केट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भारी, बल्कि कह सकते हैं ऐतिहासिक गिरावट का सामना करना पड़ा है शेयर मार्केट को, और हफ्ते के पहले दिन ही 8.29 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के वो डूब गए। जी हाँ, स्वाहा हो गए, पैसों का नुकसान हुआ है। आज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है उसमें 1747 अंकों की गिरावट आई है और वो 56,405 अंकों पर जाकर बंद हुआ है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी सूचकांक है उसमें 531 अंकों की बड़ी गिरावट आई है और ये 16,842 पर बंद हुआ है। आज जो सबसे बड़े लूजर्स रहे, जिन्होंने कहा जाए कि निवेशकों के पैसे डुबोए शेयर्स ने, वो पेटीएम का शेयर रहा। 4.7% की गिरावट आई है और वो 863 रुपए पर बंद हुआ है। नायका का शेयर आपको याद होगा, इसका आईपीओ बहुत ही धूमधड़ाके के साथ आया था, उसमें 7.78% की गिरावट आई है और वो 1,515 पर बंद हुआ है। जोमैटो के शेयर में 6.82% की गिरावट आई है और 70 पैसे पर बंद हुआ है। शुक्रवार को भी गिरावट थी, मगर आज कह सकते हैं कि 2022 की सबसे बड़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीब 4-4% टूटे हैं। कहा जा रहा है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है सीमा को लेकर, और अमेरिका कह रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो नाटो जबरदस्त कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि उसकी कोई मंशा तो नहीं है कार्रवाई करने की, लेकिन अगर नाटो ने यूक्रेन को नाटो में शामिल किया तो अंजाम गंभीर होंगे। बहरहाल, कच्चे तेल की कीमतें भी इस विवाद की वजह से 7 सालों के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी हैं, और अमेरिका की कोशिश भी यही है कि जो रूस से गैस और तेल की सप्लाई होती है यूरोप को, उसको कहीं काट के रूस को अलग थलग किया जाए। तो जाहिर सी बात है, इन सबका असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा और उसका असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है LIC के IPO को लेकर, क्योंकि सरकार अब तक उस पर बहुत ज़्यादा खुलकर कुछ नहीं अल्ला सकी है, और जैसा कि आपको पता होगा कि LIC भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है वो शेयर मार्केट पर ज़रूर पड़ेगा। शुक्रवार को मैं आपको बता दूं कि 1,432 अंकों की गिरावट के साथ 56,720 पर आज सुबह, माफ कीजिएगा, शुक्रवार को जो गिरावट आई थी उसके बाद आज 56,720 पर खुला शेयर मार्केट सोमवार सुबह। शुक्रवार को करीब 1400 अंकों की गिरावट आई थी, लेकिन इसने फिर 57,191 का ऊपरी स्तर भी हासिल कर लिया और फिर उसमें एक गिरावट आई। तो जो भी बढ़त रही है वो TCS के शेयर्स में रही है, और जो टॉप 30 के जो शेयर माने जाते हैं, ब्लू चिप शेयर माने जाते हैं शेयर मार्केट के, उसमें TCS को छोड़ दे तो बाकी 29 शेयरों में आज गिरावट रही। बैंकिंग सेक्टर पर जबरदस्त गाज गिरी है। SBI 5.2% गिरा, HDFC 5.3% और ICICI का शेयर जो है वो करीब 4.5% टूटा है। टाटा स्टील का स्टॉक जो है आज 5.49% की जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ है। इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति के शेयर्स भी करीब 4-4% गिरे हैं। लॉर्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, एयरटेल, विप्रो, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, NPTC, अल्ट्राटेक, बजाज सीमेंट, HDFC बैंक करीब 3-3% से ज़्यादा गिरे हैं। माफ कीजिएगा, HDFC 5.3% गिरा है और HDFC बैंक करीब 3% गिरा है। तो कुल मिलाकर हर तरफ तबाही का ही मंजर है शेयर मार्केट की बात करें तो। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जब मार्केट खुलेगा मंगलवार को, तो इसमें कितना सुधार आता है, या फिर जो यूक्रेन का संकट है वो अभी शेयर मार्केट को और परेशान करता रहेगा। फिलहाल शेयर मार्केट की हर खबर आपको यही जनसत्ता में मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन क्लिक करना है और बने रहना है जनसत्ता के साथ। नमस्कार।